नमस्कार, हिंदुस्तान इस डेली में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चुनाव है दंगल में आपका स्वागत है। जी हाँ, आपको लाइव अपडेट देते हुए मैं बड़ी बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की एक तरफा विजय बिल्कुल आ गई है। जी हाँ, बीजेपी को करारी शिकस्त और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। इस मौके पर चांदी कुछ कहना चाहोगे आप? जी, मेरा ये कहना है विक्रम जी कि अभी तक जो आम आदमी है वो अब क्यों काम करना स्टार्ट किया उन्होंने? वही चीज मेरे समझ से बाहर है। हमारी चुनावी रैलियां हो रही थी, जब हम संगम बिहार इलाके में गए, हम नगलोई इलाके में गए, काफी विधानसभाएं की हमने, अलग अलग मुद्दे थे कि आम आदमी पार्टी ने, सरकार ने रोड, सीवर, पानी को लेके काम नहीं किया। लेकिन उधर दूसरी तरफ से मनीष सिसोदिया अपनी वर्डिंग दे रहे थे कि हमने स्कूलों में काम किया, तो ये कुछ फैसले समझ में नहीं आ रहे। ये जनता भी जानना चाहती है कि जो चीज इन्होंने 5 साल में नहीं किया केजरीवाल जी ने, वो अब क्यों कर रहे हैं? क्या उनकी कहीं ना कहीं ये रणनीति उनकी जीतने की, अब आपको लगता है कि अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो ये 5 साल काम करेगी या फिर आने वाले चुनाव? मुझे बिल्कुल लगता है कि इस तरीके से जो नतीजे आ रहे हैं, सटीक नतीजे, 58 सीट से ऊपर अभी चल रही है आम आदमी पार्टी और इस तरीके से विजयी है पूरी तरीके से। लेकिन जो कार्यरत था अमित शाह जी के पास, वो विक्रम जी मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे हमें भी पता है कि जो है आम आदमी पार्टी जीत रही है जहाँ तक हम देख रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि अब तक उन्होंने जैसे ये जीत जाएंगे, ठीक है, ये सीएम बन जाएंगे केजरीवाल, उसके बाद क्या आपको लगता है कि 5 साल काम करेंगे या फिर अगले जो होगा इलेक्शन तब काम करेंगे? मुझे तो लगता है बिल्कुल काम करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से पब्लिक का रिस्पांस मिला है पिछले 1.5 साल में, उन्होंने काम की शुरुआत करी, पहले इसी से कुछ उनका वाद विवाद चल रहे थे, लेकिन उन्होंने वादा किया था जनता से कि मैं इस 5 साल में आऊंगा तो नए मुद्दों के साथ, नए मैनिफेस्टो के साथ। 5 साल क्यों नहीं किया विक्रम जी? मेरे कहने का मतलब यह है 5 साल उन्होंने काम क्यों नहीं किया? अरविंद केजरीवाल का एक प्रोपेगेंडा ये आ रहा था, इसी से उनको पूरी तरीके से परमिशन नहीं मिल पा रही थी, हाईकोर्ट से भी बातचीत चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट से इसी के मैटर में। रुकना चाहूंगी, बीजेपी आप कह रहे हैं कि उन्हें परमिशन नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, मान लेते हैं, तो आप मुझे ये बता दीजिए 5 साल में उन्हें, 4 साल मान लीजिए आपको उनको परमिशन नहीं मिली, 4 साल के बाद उनको परमिशन मिल गई काम करने को? जी बिल्कुल, 6 महीने के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी का मैनिफेस्टो बताता है, ये चीज आप गलत है, कुछ आंकड़े साबित हो रहे हैं, कुछ आंकड़े निकल के आ रहे हैं मेरे पास, आप फैक्ट पे बात करिए, आप फैक्ट पे बात करिए। मैं बिल्कुल वही बोल रही हूँ, ये काफी जनता भी यही जानना चाहती है कि उन्होंने अब तक काम क्यों नहीं किया? आप जैसे आप जैसे एक महिला हैं, आपको मेट्रो बस फ्री करने की सेवा दी है आपको, आप बताइए। पुरुषों को क्यों नहीं दी सर? हम नहीं कह रहे कि हमें फ्री दो, आप उसको कम भी कर सकते थे केजरीवाल जी, उन्होंने पुरुषों को क्यों नहीं किया? वैसे तो देश में ये कहते हैं कि जो है लड़का लड़की एक है, बराबर है, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, तो अब ऐसा क्या, ऐसा क्यों लोगों का ये मतलब कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं। हम भी कई जगह पे हम गए हैं, वहां से भी हमने काफी लोगों से पूछा है, उनका भी सवाल यही था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आप कर रहे हो तो इक्वल करो ना, इक्वल राइट होना चाहिए, मतलब आपका कहना है महिलाओं को भी इक्वल राइट ही देना चाहिए आदमी के बराबर, आज जो पुरुष है वर्ग है आ रहा है हमारे दिल्ली से, उसको भी फ्री सेवा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये आपके मुद्दे हैं, मतलब जी। आप एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, महिला है आप, कितना आप अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रही है? जैसे 5 साल में केजरीवाल सरकार ने कह दिया था कि मैं हम अभी 2 महीने पहले उन्होंने मार्शल स्टार्ट किया, चलिए बड़ा अच्छा हम बताया आपने, 2 महीने पहले क्यों किया उन्होंने ये चीज, आप वो 5 साल में भी तो आपको लगता है सभी मार्शल तैनात है पूरी डीटी सर्विस में, आप तो सफर करते होंगे वैसे? मेरे जी बिल्कुल, मैंने देखा है बट मैंने पूरे बस में नहीं देखा, एक दो बस में मैंने देखा है, लेकिन जैसे मैं वही कह रहा हूं, मेरा सवाल आपसे ये है कि केजरीवाल ने ये चीज पहले क्यों नहीं की, अब क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन की वजह से कर रहे हैं कि मेरे को ऐसे सीटें आ जाएंगी, 70 के 70 सीटें आएंगी? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इलेक्शन प्रोपेगेंडा निकल के आ रहा है बाहर, कि जो पहले वादे जो थे उसमें से 70 वादों में से कुछ वादों को करके दिखा दिया, अब अगले 5 साल में और वादे निकल के आएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे, जहां तक आंकड़े दिख रहे हैं, क्योंकि जनता का सपोर्ट पूरा मिल रहा है केजरीवाल जी को इस समय, जो कि मेरी स्क्रीन पे चल रहा है, और अभी जनता भी हमारे बीच में जुड़ रही है और कुछ लाइव अपडेट्स भी आ रही है, तो जिस हिसाब से जनता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, मैं बताना चाहूंगा आप सबको, मेरे दर्शकों को, कि केजरीवाल को पूरा एक तरफा सपोर्ट मिल रहा है। बीजेपी की रैली हो रही थी, अमित शाह माननीय गृहमंत्री खुद 70 रैलियां करके गए, लेकिन कोई फायदा नहीं निकल के आया बीजेपी का, जिस हिसाब से आप मैं देख पा रहा हूँ। जी वो बात आप ठीक कह रहे हैं, वो उसके लिए मैं अग्री हूँ, बट मेरा कहना यह है कि उन्होंने काम किया, अब उन्होंने काम करके दिखाया ना, अब लोग उन्हें इसलिए वोट दे रहे हैं कि आने वाले 5 साल उनके लिए जो है वो केजरीवाल काम करेंगे। आप जैसे कह रहे हैं केजरीवाल केजरीवाल, ठीक है,
तो आपको क्या लगता है कि ये 5 साल काम करेंगे या फिर ये फिर जाके 4 साल के बाद फिर ये काम करना स्टार्ट करेंगे, फिर ये बोलेंगे कि मैंने तो कैमरे लगवा दिए जी, मैंने बस फ्री करा दिया महिलाओं के लिए, काफी सारी चीजें बोलेंगे। जी जी जी, आप भी जैसे चुनावी दंगल में गए उतरे थे, आप मैदान में गए थे, वर्डिक ली थी, क्या समस्याएं निकल के आ रही थी वहाँ पे, मतलब क्या दिक्कत क्या आ रही थी? वैसे मैं भी चुनावी आता हूँ, अच्छा मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, आप मुझे ये बताइए विक्रम, जैसे आपने मुझे कहा कि महिला कहीं ना कहीं सुरक्षित है या नहीं, आपने मुझसे कहा, ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने निर्भया का केस तो देखा होगा, जी बिल्कुल सुना होगा, हम अभी लगे हुए हैं सब लाइव अपडेट पे। जी सरकार इसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल, उनकी माँ का कहना है, निर्भया के माँ का, कि केजरीवाल जिम्मेदार है, हमारी सरकार में प्रॉब्लम है कि मतलब वो फांसी नहीं हो पा रही है, इसके पीछे वो अगर चाहे तो फांसी भी हो सकती है, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए सर। अभी लाइव अपडेट जो चल रही है आपके हिसाब से, आपने शायद सुना भी होगा, मेरे ख्याल से आप नहीं सुना हो तो, 7 दिन का उनको टाइम दिया गया है कि वो अपनी जितनी भी पिटीशन है सारी 7 दिन में दाखिल कर सकते हैं। पहले ये 22 जनवरी को आई, कुछ लॉज के बाद 1 फरवरी, उसके बाद अब आज की डेट बताई उन्होंने, अब हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी उनको फांसी होगी, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम सुरक्षित है कहीं ना कहीं, हमें नहीं लगता। मैं आपको एक सेकंड रोकना चाहूंगा, मैं बताना चाहता हूँ, हमारा जो लॉ सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट आता है, न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो है पूरा, उसमें एक लेवल्स होते हैं, सिस्टम जब लड़की को इंसाफ ही नहीं मिल रहा, सिस्टम, लेकिन एक लॉ के हिसाब से आप किसी गुनहगार को तो वो दोष मिलना चाहिए, लेकिन किसी बेगुनाह को ना मिल जाए, इसलिए ये लॉज बने हुए हैं, लॉज के हिसाब से जो चार जो दोषियों जो है चार, वो कोई बेगुनाह नहीं है, ये आप भी शायद अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल, वो तो सीधी एक तरफा बात है, ये आप मत कहिए ना कि वो बेगुनाह उसमें से हो सकते हैं, बिल्कुल बेगुनाह नहीं है वो गलत है और वो दोषी है, और ये सबको पता है, सरकार भी जानती है। आप कहना चाहते हैं जो फांसी रुकी हुई है वो केजरीवाल जी के प्रोपेगेंडा के कारण? ये मेरा कहना नहीं है, ये जनता का कहना है, और कहीं ना कहीं जनता का ये, जनता भड़की पड़ी है कि क्यों नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही, इससे तो दोषियों को बढ़ावा मिलेगा ना आने वाले टाइम पे, कई लोग जो ये सब आपको जिंदगी करते हैं। 2 मिनट रोकना चाहूंगा, मैं अपने दर्शकों को एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ जो आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रही होगी, ये क्लिप हमारी है संगम विहार इलाके की। तो देखा आपने संगम विहार में किस तरह के मुद्दे चल रहे थे, रोड पानी सीवर के को लेकर जनता कितनी परेशान थी, चांदी आपने वीडियो में भी देखा होगा अभी, लेकिन अभी मेरे पास जो नोटिफिकेशन आ रहा है कि वहां से आम आदमी पार्टी जीत गई है, लेकिन रोड को लेके वहाँ पे एमसीटी की गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो काम क्यों नहीं हो रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा था। मैं वही सोच रही थी, ये बीजेपी का है एमसीटी का जी, तो काम नहीं हो पा रहा, मैं वही सोच रही थी। वही हर जगह पे मुद्दे अलग अलग निकल जाते हैं, सरकारें आती है सरकारें चली जाती है, 5 साल के वादे होते हैं लेकिन काम ही रुक जाते हैं। मैं जिस तरह से देख पा रहा हूँ, चाहे बीजेपी आ रही हो चाहे कहीं आम आदमी पार्टी आ रही हो, लेकिन मुद्दे वही बरकरार है, क्योंकि बहस का मुद्दा होना चाहिए बरकरार, वो जो मुद्दे वही है, लेकिन काम जिस चीज पे वोट मांगा जाता है काम के नाम पे, लेकिन काम तो हो ही नहीं रहा है। जी बिल्कुल विक्रम जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने भी देखा है कि बीजेपी काम नहीं कर रही है उस चीज पे, बीजेपी। लेकिन मैम एक बात बताइए, आप भी पत्रकार के तौर पे आप गई थी चुनावी रैलियां करने, तो आपने काफी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा था कि पब्लिक परेशान है गंदे पानी को लेकर और बिजली को लेकर और रोडों को लेकर, लेकिन फिर भी इतना अच्छा समर्थन, तो समझ से बाहर है मेरा तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो मैं भी देख सकती हूँ जी, बिल्कुल स्क्रीन पे आपके आप भी रहा होगा कि जिस तरीके से 59 की बढ़त लेके बैठी हुई है आम आदमी पार्टी इस समय, और 11 पे बीजेपी, जिसमें अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 0 से 0 का सफर जारी है जी। आप बताइए मैम क्या कहना चाहेंगे इस बात पे आप? जी बीजेपी को लेके मैं को ये कहना है, हमें जैसे कि हमने देखा शाहीन बाग में इतने नारे लग रहे थे कि सीए को लेकर एनआरसी को लेकर, अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले ये था कि बीजेपी के ज्यादा सपोर्टर थे वहाँ, जी बड़ा चल रही थी मेरे साथ, बिल्कुल चल रही थी, तो अब अचानक से ये इसमें आम आदमी पार्टी विनर हो गई है। जी बिल्कुल, मैं वही सोच रहा हूँ, आम आदमी पार्टी जीत गई है। जो मनोवैज्ञानिक तरीके से बताया जा रहा था कि 3 बजे के बाद बीजेपी ये कर रही थी कि हमारी वोटिंग ज्यादा हुई है शाहीन बाग और ओखला के इलाकों में, 3 बजे के बाद हमारा वोट गया, लेकिन यहाँ तो पासा उल्टा पड़ रहा है कि जो सुबह के टाइम की वोटिंग निकल के आ रही थी जिसमें बीजेपी को 20 से 25 सीट मिलने के अनुभव लगाए जा रहे थे, लेकिन शाम ढलते ढलते तो बीजेपी तो बिल्कुल कमल हल्का सा पड़ता जा रहा है। वही मैं जनता को भी बताना चाह रहा हूँ हमारे माध्यम से, आप देखते रहिए लाइव स्क्रीन पे हमारी टीवी के। जी जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि ओखला में बीजेपी जो है वो
कम हो गई है, मतलब अब तो एक तरफा ही मुकाबला लग रहा है मुझे जिस तरीके से बढ़त प्राय कर दिया आम आदमी पार्टी। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि फ्रे के चक्कर में ये आम आदमी पार्टी जीत रही है, तो आपका क्या कहना है? मेरा कहना है, लेकिन मेरे पास भी एक नोटिस आया हुआ है, BSES वालों ने केजरीवाल सरकार को एक नोटिस जारी कर दिया कि 31 तारीख तक ही फ्री बिजली दे सकते हैं, क्योंकि इस कारणवश उन्हें काफी घाटा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये केजरीवाल के जीतने की कहीं ना कहीं रणनीति है। मेरे अब समझ से बाहर ये हो रहा है इस समय कि जो जनता ने वोट किया है वो फ्री की बिजली को दिया है 5 साल के लिए, लेकिन अब जो 31 तारीख के बाद फैसला निकल के आएगा उसमें जनता क्या करेगी? और जो बसों का किराया आदमी पार्टी जो है वो जैसे आप कह रहे 31 मार्च तक ही रहेगा जी, तो आने वाले टाइम पे ये तो देख लेंगे कि 31 मार्च तक रहेगा। लेकिन इस समय सबसे बड़ा मुद्दा उसके ये आ रहा है कि जितने भी एमएलए थे आम आदमी पार्टी के, सबका ये था हम बिजली के बिल में कटौती करेंगे। जनता को बेवकूफ बनाया गया है कि हम बिल्कुल फ्री सेवा दे रहे हैं, बट ये हमेशा फ्री नहीं होगा। मैं आपको एक सेकंड रोकना चाहूंगा, हमारे पास अभी नोटिफिकेशन अवेलेबल हो रहा है, बीजेपी और सरकती हुई 9 सीटों पे आ गई है बिल्कुल अब। जी हां, आम आदमी पार्टी की 61 सीटें बढ़ती हुई, मुझे ऐसा लग रहा है चांदी इस बार फिर से तो चलिए इसी अपडेट के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं कि किसकी चुनावी रुझान कहां तक पहुंचते हैं और कौन सी पार्टी किस लेवल तक अपना चुनाव रुझान पहुंचा पाती है। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।